उस समय सुनो, उस समय नियोजित शिक्षक वाले लोग कितना सर से आंदोलन कर रहा था, समान काम समान वेतन कई सालों से कर रहा था कि नहीं कर रहा था। हम लोग का चुनावी एजेंडा मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, हमने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज्य का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। और वो निर्णय कब हुआ? हमारे सरकार में हुआ। यानी 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। और अभी आप लोग सब लोग यहाँ है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाथ जो है वो मजबूत कीजिए। और इसीलिए आप सब लोगों को निमंत्रण देना है 3 तारीख को, 3 मार्च के आतवार का दिन पड़ता है 3 मार्च, हम लोग पटना में रैली करने जा रहे हैं गांधी मैदान में। आदरणीय लालू जी, आप सब लोगों के समक्ष रहेंगे, बात करेंगे और आप सब लोगों को हम न्योता देते हैं। बताइए आइए कि नहीं आइएगा, हाथ उठा करके बताइए आइए कि नहीं आइएगा, आइएगा ना। एक बार पटना आइएगा, थोड़ा रगड़ा रगड़ी हो जाए, पटना आइएगा तो अपने ही लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोगों को न्योता भी देते हैं, आइए पटना। और ये भी बोलेंगे कि भाई जितने हम लोग हमारे समाज के लोग हैं, सब लोग हैं, गरीबों को सीने से लगाइए, चाहे अति पिछड़ा समाज के भाई हो, चाहे दलित समाज के भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, चाहे अगले भाई हो या पिछड़े भाई हो, सब लोगों को दोस्ती कीजिए। और आप बताइए एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेगा कि नहीं करेगा? करिएगा ना, उनका मान सम्मान दीजिएगा ना, तो साथ में कि चले के पड़ी। तो इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। मोतिहारी में आज शुरू हुआ बेतिया से, फिर कार्यक्रम करके यहाँ आ रहे हैं। आज कल रात भर बारिश पड़ा मोतिहारी में, सुबह 8 से 9 बजे तक बारिश पड़ा, वरना कार्यक्रम वहाँ 10 बजे का था, वहाँ शुरू हुआ 1 बजे, तभी आने में हो गया हमको देरी, नहीं तो हम लोग समय से आते। और रहुआ लोग तो पुनः अपन घर करना पड़ा, सब लोग एकदम गोलबंद रहिए। और आरा रहे फरमासी ये बेरोजगार, सभी बात को हम लोग देखेंगे, चिंता आप लोग मत कीजिए। तो सभी लोगों को गोलबंद होने की जरूरत ना। और ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि मोदी जी का गारंटी सबसे पक्का वाला गारंटी, सबसे मजबूत गारंटी है। विधानसभा में हम पूछे भाजपा के लोगों से, विधानसभा में जब भाषण दे रहे थे तो हम पूछे, ए मोदी जी के गारंटी वालों, जरा गारंटी कोई दे सकता है कि फिर से चाचा पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? सब भाजपा वाला के मुंह लटक गया। उसका एक और नहीं दूसरों का डिप्टी सीएम है और दोनों एक दूसरे का मुट्ठू कुट्टू कुट्टा कर, कोई गारंटी लेने को तैयार ही नहीं की। तो उसने जब कोई गारंटी नहीं लेगा तो आप लोग कहां ना गारंटी उनका लीजिएगा। आप एकदम नया बिहार बनाना है, नए लोगों को आप लोगों को चुनने का काम करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।